हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन क्या होता है, दोनों का क्या एप्लीकेशन है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक इनक्लोज स्पेस का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और वहां की एयर की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं एज पर एंड यूजर रिक्वायरमेंट। मतलब एंड यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम कंफर्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं तो अराउंड 24 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और 50 to 60% के बीच में हम लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर सर्वर रूम का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, उस टेम्परेचर पे हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर ऑपरेशन थिएटर है या तो क्लीन रूम का एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग एयर के जो पार्टिकल के साइज को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो एयर कंडीशनिंग होता है वो डिजाइन करते हैं, जहां पे मल्टीपल चीजों पैरामीटर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर आप एयर रेफ्रिजरेशन देखें तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एक इनक्लोज बॉडी या इनक्लोज स्पेस के से हम हीट को रिमूव करते हैं तो और उसके टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रिड्यूस करते हैं। बाद में उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जो टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे घरों का जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रीज है वो हम लोग ले सकते हैं या कोल्ड स्टोरेज ले सकते हैं, या तो जो डीप फ्रीजर जो जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर किए जाते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग बेसिकली देखेंगे तो फंक्शन इनका सेम है, जो प्रिंसिपल है वो सेम है, बट एप्लीकेशन इनका जो डिफरेंट है, इसकी वजह से इनका जो मैकेनिज्म है जो काम है इनका वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अगर आप रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन देखेंगे तो उसको हम लोग फ्रूट हो गया, वेजिटेबल को स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, मिल्क पाश्चराइजेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग इस यूज करते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट कूलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, तो आइस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दोनों अगर एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल सेम है बट इनके एप्लीकेशंस डिफरेंट है। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस दोनों में देखना चाहेंगे तो रेफ्रिजरेटर जो रेफ्रिजरेशन होता है इसके अंदर हम सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और अगर आप एयर कंडीशनिंग देखेंगे तो एयर कंडीशनिंग के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इसके एयर की क्वालिटी तीनों को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ये है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।